हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सोच रहा था कि आज मोटो ब्लॉग जो है वो किया जाए। काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी महीने हो गए थे कि जो मोटो ब्लॉग है वो मैं नहीं कर रहा था। तो इधर से दाई हो जाते हैं, आगे भी थोड़ा सा रास्ता सुनसान है। अच्छा खैर, तो काफ़ी दिन हो गए थे मोटो ब्लॉग मैंने किया नहीं था। तो मेरा जो मोटो ब्लॉग का सेटअप था तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब था, डिस्टर्ब था। तो जो कि अभी मैंने सेट किया है तो आज उसी की टेस्टिंग पे निकला हुआ हूँ कि कैसी आवाज़ आती है तो कैसी नहीं आती। तो अभी वही जो टेस्टिंग करने के लिए निकलते हैं। अगर तो आवाज़ साफ़ आ रही होगी तो इसी जो सेटअप को है वो फाइनल कर देंगे। अगर आवाज़ ना साफ़ आती हुई तो फिर जो है इस सेटअप को दोबारा चेंज करेंगे। तो बाय द वे जो मैंने लाइट्स थी तो वह आपने देख ली है, मेरा एंगल ठीक ही आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो वाइट लाइट जो है मैंने लगवा ली है। तो अभी थोड़ा सा मसला मुझे लग रहा है कि इसमें है मेरी बाइक में अब काफ़ी ज़्यादा जो मसले हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से मेन इशू जो बैटरी मैंने चेंज करवाई थी उसके बाद आना शुरू हुआ। तो खैर अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो मैंने हाई बीम पे लाइट जो आपने चलाई हुई थी तो उसी वजह से मैं देख रहा डिपेंड नहीं लग रहा, तो वही मसला था। तो खैर रात के वक्त जो राइड करने का मज़ा है ना तो वो अलग ही आता है। तो इसी वजह से मैंने जो लाइट से जो पहली थी उससे रात के वक्त राइड करना बहुत ज़्यादा खतरनाक था, नज़र नहीं आता था। तो ये जो लाइट्स हैं इसके साथ अब नज़र आता है और अच्छा खासा नज़र आता है। तो फिर बना रात की जो राइड है ना वो गर्मियों के ख़ास तौर पर तो इंजॉय कर सकता है। तो बाय द वे मैंने अपनी बाइक का जो साइलेंसर है वो भी चेंज कर दिया, शायद शायद पक्का नहीं पता कि जैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से जो अब मैंने साइलेंसर लगवाया एग्जॉस्ट लगवाया तो इसका ओरिजिनल मैंने लगा लिया खुद ही। तो पता नहीं मैंने पहले कभी ब्लॉग में दिखाया कि नहीं दिखाया, आवाज़ सुनाई कि नहीं सुनाई। तो अभी अपन को पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, तो बड़ी मीठी सी बात है, मध्यम सी बात है। तो इसके साथ भी बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे कल से ना चुल थी चुल के यार इजाज से मज़ा भरा था बाइक चलाने, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था। तो आज भी टाइम नहीं लग रहा था तो मैंने कहा नहीं वैसे आज निकालते हैं बाइक और थोड़ा सा ना चला के और थोड़ा सा भगा के आते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं आवाज़ का भी, और हमारा जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है वो भी चेक हो जाएगा। मोटो व्लॉगिंग का सेटअप अभी इतना खास है नहीं मेरा, बस ये है कि माइक वगैरह जो मैंने सेट किया ना वो अभी गोप्रो भी लेना रहता है और सारा कुछ रहता है तो वो भी लेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारा काम होते रहेंगे। बस आप अभी तक मेरे चैनल से आपने सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही आप कर रहे हैं, तो ये ट्रॉली जो कितनी बड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा मैंने करीब चला गया था इसके, अब मुझे डर लग रहा है कि जल्दी से यहाँ से निकाल लूँ मैं वैसे। हो मज़ा आ गया। जितनी भी ये बाइक सीसी के अभी इसमें कंफ्यूजन है तो जितना भी है लेकिन मज़ा आता है चलाने का। तो लोग कहते हैं कि कोई हायर सीसी बाइक ले लो भाई, इतने पैसे अभी नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब हो गए तब इंशाल्लाह हायर सीसी भी लेंगे। अभी तक ये बाइक जो है तो मज़ा दे रही है। तो मुझे मेरा प्लान बन रहा है इस बाइक को भी टूर भी ले कर चलेंगे, अगर जेब में इतने ज़्यादा पैसे हुए कि इसका खर्चा बर्दाश्त कर सके। इस ट्रक से आगे निकाल लेते हैं, काफी ज्यादा मिट्टी धूल जो है वो उड़ा रहा है। अभी मैं बोली जा रहा हूँ मुसलसल, पता नहीं मेरा जो माइक की आवाज है वो साफ आ रही है कि नहीं आ रही। मज़ा आ गया, मज़ा। अभी मेरे ग्रुप में कोई ऐसा लड़का है नहीं कि जिसके पास कोई बाइक हो या कोई ऐसा शौकीन नहीं है मेरे ग्रुप में, मेरे फ्रेंड्स के जो ग्रुप है। वैसे तो समुद्री में बाइक्स हैं लेकिन ना मेरे वो फ्रेंड्स उनमें हैं और ना ही वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जिसकी वजह से उनके साथ अभी राइड करने का मौका नहीं मिला। तो जब कभी भी उनके साथ राइड करने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह करेंगे।
तो अभी शहर के दूर से बाहर निकलने लगे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, करीब ही रहेंगे, क्योंकि आगे फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है रात का, तो इससे पहले के पास ही कर लेंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं जाते। वैसे जो लाइट है आपको नज़र आ रहा है काफ़ी माशाल्लाह जो है क्लियर नज़र आ रहा है, तो इतना भी क्लियर नहीं है वैसे, फिर भी जो नस्बत है उससे ज़्यादा क्लियर है, तो गुजारा हो जा रहा है अच्छा खासा। यहाँ से यूटर्न आ गए, यहीं से वापस ले लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो यहीं से वापस ले लेते हैं। बाइक का टायर मुझे पंचर लग रहा था, पता नहीं पंचर है कि नहीं, यार ठीक है, वैसे स्किड कर रहा होगा तो पंचर तो नहीं है खैर। तो ये जी गंदम आ गई है, तो इस तरह हमारी वो फेंक देते हैं यहाँ पे आके, तो बाद में हम यहाँ पे उठा के आपको दिखाएंगे कि कैसे हम उठा सके ऊपर लेके चलते हैं। और ये है जी गंदम हमारी, दाना तो मोटा भी है बारीक भी है, दोनों किस्म के दाने। तो खैर अभी पहले ना कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो फिर उठाते हैं इसे। कपड़े वगैरह तो मैंने चेंज करिए, तो अभी छत पे जाके जो थैले हैं वो उठा के लाता हूँ, वो बाद में आता हूँ। अगले का जो लोया मतलब ये यहाँ से फट गई है, मेरे ख्याल उस दिन जो मैंने थैले उठाए ना तो यहाँ से फट गया, तो इस तरह की पार्टी बनाई है कि कपड़े फाड़ते, क्या बात है। ऊपर जितने भी थैले पड़े थे मैंने सारे उठा लिए, तो अभी यहाँ से नीचे फेंक देते। यहाँ देखो ना ढक्कन इधर इतने रखे, इतने फिर बोरा पार्टी नहीं होना, बोरा नहीं भर होना, ढक्कन इतने नाल ही पैर अभी हमने जो चार पांच जो थैले हैं वो भर लिए, तो एक ये भरना है और बीच में कुछ थैले इस तरह के जो फटी जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ से फट चुका है, तो इसे अभी खाली करना पड़ेगा, तो बाकी अभी थोड़े से रह गए, ये भी भर लेते हैं, तो बाद में फिर उठा के छत पे लेके जाएंगे। माशाल्लाह जी मट्टे में जो दाने हैं वो सारे डल चुके हैं जी, तो अभी सिर्फ ढक्कन लगाना है वो रहता है। तो गाइस दाने वगैरह जो है मट्टे में डाल दिए, तो आपने वो भी देख लिया और मेरा जो मोटो ब्लॉग है वो भी देख लिया, तो आगे मैंने उसकी जो ऑडियो है वो सुनी है, तो जो मोटो ब्लॉग है तो वो काफी ज्यादा मजी आया है, तो कोई अच्छा जो है तजर्बा नहीं साबित हुआ, तो मैं अब कोशिश करूंगा उसकी एक और सेटिंग है वो होगा कि देखूंगा, अगर उसके साथ हो गया तो ठीक, नहीं तो उसका जो माइक है वो एक लेना पड़ेगा अच्छे वाला, तो जो कि नहीं अभी मेरे समझ में आ रहा ना कोई मिल रहा है। तो खैर ये व्लॉग यहीं पता करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।